बंगाल चुनाव को लेकर बीती रात अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। असम से गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता आए थे, वेस्टर्न होटल में मीटिंग। दिल्ली जाने का कार्यक्रम बीच में छोड़कर असम से कोलकाता आए अमित शाह, चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा की उम्मीद, उम्मीदवारों के नाम पर असंतोष। टीएमसी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से नाराज थे स्थानीय कार्यकर्ता, कोलकाता के साथ कुछ दूसरे शहरों में भी विरोध। बंगाल में सियासी सरगर्मियों का दिन, बांकुड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। ममता बनर्जी भी इसी इलाके में करेंगी रैली, दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन। आज बंगाल दौरे पर सीएम योगी पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह भी आज बंगाल दौरे पर, एक दिन में करेंगे 3 रैलियां। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता के नामांकन पर जताई आपत्ति, कहा 6 मामलों को एफिडेविट में छुपाए। आज नंदीग्राम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी, ट्वीट कर दी जानकारी। दुर्गापुर में पार्टी समर्थकों की भीड़ में खड़ी बच्ची से मिली ममता बनर्जी, पास बुलाकर की मुलाकात। वीरपुर में कारोबार पर चढ़ा सियासी रंग, खेला हुबे वाला टी शर्ट सभी दलों के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय। ममता बनर्जी को लगी चोट पर सांसद रवि किशन का बयान, 24 घंटे में प्लास्टर कटने पर सवाल। दीदी बैठी व्हील चेयर कुर्सी पर, सबसे मांगे कोर्ट, सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में प्लास्टर कटा, ए भैया ई कैसन रहल चोट। हुगली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। टीएमसी के बागी रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य को टिकट से नाराज थे कार्यकर्ता, टीएमसी नेता देवव्रत विश्वास के आने का भी विरोध। बांकुड़ा जिला कोर्ट में राजू झाने के सरेंडर, सुनवाई के दौरान फर्जी उपस्थिति लगाने के मामले में जारी था वारंट। 26 मार्च को केस की अगली सुनवाई, पश्चिम वर्धमान जिले से विधानसभा के उम्मीदवार बनने की रेस में है राजू झा। दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे राजू झा, दुर्गापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा आने वाले दिनों में संसद में किसान मंडी लगाएंगे। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एम्बुलेंस से लाया गया पटना के सिविल कोर्ट, कई मामलों में चल रही सुनवाई। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा अब बिहार में उद्योग लगाने में कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान। मेरठ में सरधना नगर पालिका में हंगामा, अपने वार्ड की अनदेखी किए जाने के विरोध में एक सभासद ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर ओवैसी की सियासत, कहा एनकाउंटर में मरने वाले 37% मुस्लिम। कोरोना ने देश में फिर मचाया हाहाकार, 24 घंटे में गई 118 की जान। महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 48 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, सभी राज्यों के सीएम के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षाओं को एक महीने के लिए टाला। अहमदाबाद में कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद नहीं टला खतरा, डॉक्टर दंपति निकले कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 900 नए मामले। प्रशासन की सख्ती, 8 इलाकों में रात 10 बजे से पान की दुकान, मॉल, शोरूम, खाने पीने की दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस बंद करने का आदेश। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले 3 T20 बिना दर्शकों के खेले जाएंगे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से सलाह मशवरा के बाद बीसीसीआई का फैसला। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2300 से ज्यादा, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। कोरोना के 360 से ज्यादा नए मामले, 15 मार्च को 39,700 से ज्यादा लोगों ने लगवाई वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए।
प्रदेश में 2021 में पहली बार सामने आए एक दिन में इतने पॉजिटिव मामले। भोपाल में कोरोना के 199 नए मामले। इंदौर में कोरोना की तेज रफ्तार, सबसे ज्यादा 259 नए कोरोना केस। भोपाल में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी की नई गाइडलाइन। महाराष्ट्र से आने वाली सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव होना जरूरी। भोपाल में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर रोक। रात 10:30 बजे के बाद नहीं होंगे कोई कार्यक्रम। दिल्ली में फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत। संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी खफा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना लिखा। लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश कर रही बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा संसद में अलोकतांत्रिक बिल लाकर पीछे से दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश में केंद्र। ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली बीजेपी का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया बिल केजरीवाल नहीं चाहते, संविधान से होगा। श्री राम मंदिर निर्माण शुरू, वैदिक विधि से हुआ नींव भराई का पूजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, महंत दिनेन्द्र दास थे मौजूद। 40 फीट गहरी नींव तैयार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के लिए लगाए प्रतिबंध को हटाने को बताया जोखिम भरा, कहा कोरोना को लेकर रहना होगा जागरूक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में की गढ़वाल कमिश्नर की तैनाती, कुंभ होने तक करेंगे हरिद्वार में कैंप, मेला प्रशासन करेगा सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट। कुंभ मेले में केंद्र की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। नगर प्राधिकरण का अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, करोड़ों की जमीन कराई मुक्त। लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान लड़की के बेहोश होने पर परिवार वालों ने किया हंगामा, डॉक्टरों से मारपीट। अमरावती में पेट्रोलिंग गाड़ियां ग्रामीण थानों में खड़ी, 1.5 करोड़ का हो चुका है बकाया, पेट्रोल डीजल देने से इनकार। बठिंडा में इलाज के दौरान 2 गुटों में फायरिंग, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को लगी गोली। सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर, मरीजों को परेशानी। मेरठ में फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए फर्जी बिल बनाने वाले गिरोह का खुलासा, अस्पताल से संचालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी में कैद। मेरठ में सड़क पर आया घर का झगड़ा, महिला दोस्त के साथ देखकर पत्नी का हंगामा। महाराष्ट्र के लुधियाना में तलाक के लिए एक शख्स की अजीब हरकत, वांटेड लिखकर पत्नी की तस्वीर दीवारों पर लगाई। अमेठी में जहरीले खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, बारात का खाने का सैंपल प्रशासन ने जांच के लिए। एंटीलिया केस में एसपी सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार, महाराष्ट्र में गृहमंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। शोपे मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सजाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकी मारे गए। केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 आरोपियों की दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो होना होगा हाजिर। धौलपुर में संजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन, कस्बे के अरबपति ने की अपने बेटे का विवाह यहीं किया। हरिद्वार के पास शताब्दी ट्रेन अग्निकांड में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का जल गया था सामान, लेकिन नहीं टूटा हौसला। ट्रेन में सवार 8 तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने हादसे के बाद किया शानदार प्रदर्शन, जीते कई पदक। जयपुर में कैदियों के पुनर्वास की पहल, पेट्रोल पंप चलाने की भी दी गई जिम्मेदारी। भोपाल में सार्थक एडविजन का आयोजन, कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने किया केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टॉल का उद्घाटन।
खगड़िया में आग में झुलस कर एक युवती समेत दो की मौत, परिवार वालों में कोहरा। अमरोहा में दो अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, 200 लीटर शराब भी बरामद। कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। सरसा में शराब की सैकड़ों बोतल नष्ट, कोई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। दरभंगा में शराब कारोबारी के खिलाफ रेड जारी, नेपाली शराब की 98 बोतलें जब्त। बरेली में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अंजुम रसूल के सचिव ने दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ में प्रधानी के प्रचार में जुटे उम्मीदवारों पर सख्ती, धारा 144 का उल्लंघन करने पर कई गाड़ियां सीज। दिल्ली सटे गुरुग्राम में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 4 के खिलाफ तफ्तीश शुरू। नाव में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल, कम तेल देने पर ग्राहक और पेट्रोल कर्मचारी के बीच हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार, एक चकमा देकर फरार। में वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी विधायक का हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खगड़िया में चंद रुपए के खातिर मां बाप ने 7 साल की बेटी को अधेड़ उम्र के शख्स से की शादी, केस दर्ज। बाड़मेर में हाईवे पर ट्रेलर कार में जोरदार भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का हंगामा, कैंपस को दोबारा खोलने की मांग। हाजीपुर में लालू की मिमिक्री करने वाले नेता पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर लगा आरोप। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की, राजस्व के लगातार घाटे के कारण रेट बढ़ाने की गुजारिश। 84% भारतीयों को प्राइवेट डेटा की सुरक्षा करने वाली फर्म पसंद, सिर्फ 1/4 को थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं। बजाज ऑटो ने भारत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बढ़ाए दाम, फिलहाल केवल पुणे और बेंगलुरु में बिक्री के लिए उपलब्ध है स्कूटर। वन प्लस की पहली स्मार्ट वॉच 23 मार्च को होगी लॉन्च, कंपनी ने ट्विटर अकाउंट पर दी जानकारी। बेंगलुरु में देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। तीन तूफान ने बजाई खतरे की घंटी, बीते 10 सालों का सबसे बड़ा धूल भरा तूफान, 341 लोग लापता। इटली के मिलान शहर में लगा लॉकडाउन, कोरोना मामलों में बढ़ोतरी की वजह से रेड जोन घोषित। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वीकेंड में सभी गैर जरूरी दुकानों के बंद रखने के आदेश से खफा है व्यापारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,05,00,000 के करीब, महामारी में जा चुकी है 26,66,000 से अधिक की जान। जॉर्जिया में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दी जा रही है एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दी जा रही है वैक्सीन। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी फेक पोस्ट पर फेसबुक कसेगा नकेल, फेसबुक ने वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी वाली पोस्ट को चिन्हित कर लेबल लगाने की कही बात। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना की वजह से पिछले 1 साल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, मार्च 2020 से अब तक लगभग 30,000 लोगों की गई है जान। इंटरनेट डाउन होने की वजह से म्यांमार की नेता आंग सान सू की सुनवाई टली, पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट सेवा है बंद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी सुनवाई। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ने अमेरिका से 2015 की न्यूक्लियर डील पर दोबारा लौटने की कही बात, बोले जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन से अलग अब तक कुछ नहीं किया। फिलीपींस में ईसाई धर्म के 500 साल पूरे होने पर की गई पूजा, सेंट पीटर बेसिलिका में पारंपरिक फिलिपिनो वेशभूषा में निकाला गया जुलूस।